हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है, आप देख रहे हैं टेक विद उदय। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों iOS ड्राइवर एंड्रॉइड से बेटर है और क्यों एंड्रॉइड ड्राइवर iOS से बेटर है। हाँ, तो आपने सही सुना। आज मैं कुछ ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरे से बेटर है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि iOS ड्राइवर एंड्रॉइड से क्यों बेटर है। तो सबसे पहली चीज़ है इसकी सिक्योरनेस। तो iOS जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और कहीं ना कहीं इसको एंड्रॉयड से भी ज़्यादा सिक्योर जो है वो माना जाता है। तो एंड्रॉयड भी वैसे तो सिक्योर्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर iOS को क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि एंड्रॉयड में जो है वो कुछ ज़्यादा ही परमिशन जो है वो एकदम फ्री रहती है। आप जो है वो कोई भी एप्लीकेशन, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सबवे सर्फर गेम जो है, तो उसमें जो है वो आपको अगर उसकी मॉडल एपी के चाहिए तो आप बड़ी आसानी से जो है वो कोई भी वेबसाइट पे से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाद में अगर उसको इंस्टॉल करोगे तो उसकी मॉड एपी के आपको मिल जाएगी और उसके अंदर जो है वो आप अगर सबवे सर्फर, और काफ़ी सारे लोग जो है वो इसको हैक हैक भी कहते हैं, क्योंकि उस मॉडल एपी के में जो है वो आपको पहले से ही काफ़ी सारे कॉइन्स और ऐसा जो 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 सबवे सर्फर गेम्स में होता है वो आपको पहले से ही मिल जाता है। तो पर कोई कोई आदमी जो है वो उसको कस्टमाइज़ भी कर सकता है ऐप को, और बाद में जो है वो ऐप शायद आपका डेटा भी लीक कर सकती है। तो यहाँ पे जो है वो एंड्रॉयड की सिक्योरनेस थोड़ी सी कम होती है, पर अगर आप ऐसी कोई एपी के कोई वेबसाइट से डाउनलोड करके अगर इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरनेस है, पर अगर करते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो सिक्योरनेस ख़त्म होती है। पर iOS में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप कहीं से भी कोई भी वेबसाइट से उसकी एप्लीकेशन की जो फाइल होती है वो डाउनलोड नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर में से डाउनलोड करना पड़ता है। तो दूसरा रीज़न ये है कि बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड ओएस है। तो iOS जो है वो उसको एप्पल ने बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है और एकदम स्मूथली उसका ओएस जो है वो रन करता है। आपको यूआई में कहीं पर भी ज़्यादातर लैग नहीं देखने को मिलता। तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ ओएस है। और अगर आप एप्पल के जो पुराने आईफोन्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल 6 और 6S, तो ये जो आईफोन्स हैं उनको भी अगर आप अभी यूज़ करोगे तो उनका भी यूआई जो है वो एकदम स्मूथ चलता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जबकि आप अगर एंड्रॉयड में देखते हो तो एंड्रॉयड में काफ़ी काफ़ी सारी कंपनीज के फ़ोन जो आते हैं वो सब जो है वो कस्टम ओएस की स्किन के साथ आता है। तो उसके कारण से जो है वो बहुत एकदम स्मूथ वाला एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। हालांकि स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, पर iOS जितना स्मूथ तो कोई भी बार एंड्रॉयड में एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलता है। तो तीसरा रीज़न है एप्पल का इकोसिस्टम। तो एप्पल ने बहुत ही अच्छा एक इकोसिस्टम बिल्ड किया है। तो एप्पल के जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आई मैक हो गया, मैकबुक हो गया, आईपोड तो हालांकि पुराना है, अभी तो जो है वो नहीं चलता है। तो आईफोन और ये सारे जो एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स मिलके जो है वो बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। तो इसमें जो है वो काफ़ी सारा सारा फायदा है आपको, और इसमें जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अगर कोई कोई आदमी है वो एप्पल के इकोसिस्टम में अगर घुस गया तो उसमें से निकलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना इजी कर देते हैं वर्क को एप्पल का इकोसिस्टम जो है। जैसे मैक ओएस और iOS जो एप्पल के फ़ोन में रन होता है, तो ये दोनों मिलकर जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको फ़ोन में से कोई फाइल शेयर करनी है अपने लैपटॉप पे, तो बहुत ही आसानी से आप कुछ टैप करना होता है और ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता हूँ, पर एप्पल का इकोसिस्टम जो है वो एक प्लस पॉइंट है। तो अब बात करते हैं कि एंड्रॉयड जो है वो iOS से क्यों बेटर है। तो सबसे पहली चीज़ है इसका कस्टमाइजेबल ओएस। आप अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो आप उसमें जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, कोई भी लॉन्चर को आप उसमें डाल सकते हो और बाद में आप अपने हिसाब से जो है वो आइकन साइज़ और वो सब जो है वो एडजस्ट कर सकते हो और अपने टाइप का जो है वो एक यूआई जो है वो आप बिल्ड कर सकते हो। जबकि एप्पल में आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिट मिलते हैं। आप जो है वो उसमें कोई लॉन्चर नहीं डाल सकते, आप अपने फ़ोन का लुक जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो एंड्रॉयड में जो है वो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है अफोर्डेबल प्राइसेस। तो आपको पता होगा कि एप्पल के आईफोन की प्राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप एप्पल का सबसे सस्ता जो आईफोन है, जो कि आईफोन 6 है,
तो वो भी प्रोडक्ट जो है वो भी आज 20,000 या फिर 18,000 में कोई प्राइस में अवेलेबल है। तो एप्पल के आईफोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो और उनको जो है वो ज़्यादातर लोग जो कि मिडिल क्लास है वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और जबकि हम एंड्रॉयड में अगर देखें तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में भी एंड्रॉयड का फ़ोन मिल जाता है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल तो जो फ़ोन आ रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छे हैं। और जबकि आप एप्पल का अगर फ्लैगशिप फ़ोन देखने को जाएंगे तो आपको वहाँ पे जो है वो 1.5 लाख तक उसकी कीमत चली जाती है, और अगर एंड्रॉयड का फ्लैगशिप फ़ोन है तो वो जो है वो 1 लाख के अंदर ही जो है वो आ जाता है। और जो कि Pixel 3 XL है अभी के टाइम पे जो कि 84,000 का है, और आपको फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स 22 और 25,000 के फ़ोन्स में भी मिल जाते हैं। जैसे कि Poco F1 अगर आप देख लीजिए तो उसमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर है, और अगर Asus का Zenfone 5G भी अगर देखिए तो उसमें भी जो है वो स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर है, और वो आपको अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाता है, जैसे कि 20,000 में ही मिल जाता है Poco F1। तो जो है वो एंड्रॉयड जो है वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि आप एप्लीकेशन भी अपने आप से जो है वो एंड्रॉयड के लिए बना सकते हैं। बस आपको एक जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए अपने कंप्यूटर के लिए, जो कि होता है एंड्रॉयड स्टूडियो, और वहाँ पे आप जो है वो कोडिंग करके अच्छी खासी अपने हिसाब से एक एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप से ही आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। और जबकि अगर हम एप्पल का देखिए तो एप्पल जो है वो सारे के सारे कोड्स जो होते हैं वो खुद ही बनाता है अपने आईफोन के लिए, तो आप जो है वो आईफोन के लिए अपने आप से कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। और जबकि आप एंड्रॉयड में अगर देखें तो आप एंड्रॉयड में अपने आप से ही जो है वो एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मोर ऑप्शंस, तो यानी कि अगर आपको आईफोन लेना है तो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको फ्लैगशिप में लेना है तो एप्पल सिर्फ तीन तीन फ़ोन है अभी, 10R, 10S और 10S Max, तो ये तीन तीन में से ही आप कोई ले ले सकते हो। जबकि आपको एंड्रॉयड में अगर कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ के आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, अपने हिसाब से आप जो है वो बेस्ट फ़ोन चूज़ कर सकते हो। और जबकि अगर आप एप्पल का देखें तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कि क्यों ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक डिस्प्ले से बेटर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड गुड बाय।